भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत इत्मीनान के साथ आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो उस पर हमारा जो आखिरी निर्णय होता है वो होता है सच को आपके सामने लाकर रखना। हमारा जो लास्ट गोल होता है, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है, वो होती है सच को आपके सामने रखना। दर्शकों, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन कभी भी वो नहीं होती है कि आपको जो पसंद हो हम वो आपके सामने रखें। दर्शकों, जब हम मेनका गांधी के खिलाफ लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, लगातार तथ्य जुटा रहे थे, तब कई ऐसे लोग थे जो हमारे खिलाफ थे। दर्शकों, जब हम लखनऊ की प्रियदर्शनी यादव के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, तब कई ऐसे लोग थे जो हमारे खिलाफ थे। दर्शकों, उससे पहले जब हम लगातार विकास दुबे का एनकाउंटर जो हुआ था उसका जो समर्थन कर रहे थे, उन पर हम चोट कर रहे थे, तब भी कई लोग हमारे खिलाफ थे। और आज एक बार फिर जब दिल्ली की राबिया सैफी के साथ हुई उसकी निर्मम हत्या पर हम लगातार परते हटाते जा रहे थे और सच को सामने लाते जा रहे थे, और जब कल के कार्यक्रम में मैंने पूरा सच आपके सामने रखा, तब भी कई लोग हमारे खिलाफ हैं। दर्शकों, मेरी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, लेकिन आज मुझे मेरी टीम ने कहा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए और एक बात क्लैरिफाई करनी चाहिए कि हम जो काम करते हैं हमारा मकसद आपके सामने सच लाना है। और ऐसे में बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते बातों को, जो लोग हेट कमेंट्स करते हैं, जो लोग धमकियां देते हैं, जो लोग मैसेजेस करते हैं, जो लोग हमें मेल करते हैं, और जो लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर लगातार हमको धमकियां देते हैं, हम पर तमाम आरोप लगाते हैं, उनसे बातचीत करने का आज दिन। दर्शकों, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई फर्स्ट कि आज तक काविंद्र चौहान और उसकी टीम ने किसी से एक सुई नहीं ली है, नॉट अ सिंगल ऑल पिन। और दर्शकों, किसी से पैसा लेना या किसी के पैसा लेकर किसी का एजेंडा सेट करना, दैट्स नॉट आवर जर्नलिज्म। इसके बाद सच दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा पेशा है, और सच जो आपके सामने है वही सच है। दर्शकों, जो लोग सच को झुठलाते हैं, दरअसल उनके मन में किसी के लिए द्वेष होता है, और इस कांड का, इस मामलों का, इन घटनाओं का वो सहारा लेकर अपना पर्सनल, जो उनका पर्सनल द्वेष है, जो उनका पर्सनल, जो उनका खिलाफत है, उसको वो सामने रखते हैं। दे आर यूजिंग एंड व्यूअर्स, आज इस चीज को समझाऊंगा बहुत आसानी के साथ, बहुत आसान। दर्शकों, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। दरअसल ये जो परत चढ़ रही है, ये झूठ की परत है, और ये परत यूं ही चढ़ती चली जाएगी। ये झूठ की परत है और इसके पीछे मैं हूं, मैं आपको धुंधला नजर आ रहा हूं। ये वो सच है जो आपको यूं ही धुंधला नजर आता है, ये असली सच है जो इस झूठ की परत के पीछे छिपा हुआ है। इस परत से आपका सामना कराना एक सच्चे पत्रकार का काम होता है। ऊपर जो लाइनें लिखी है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, यही चीज आज मैं इस ग्राफिकल एक्टिविटी के जरिए दिखाना चाहता हूं। दर्शकों, यह जो आगे परत चढ़ी हुई है, यह परत है झूठ की परत, जो आपको अच्छी लग सकती है, जो आपको खराब लग सकती है, लेकिन जो सच है वो इस परत के पीछे छिपा हुआ है। जो सच है वो इस झूठ की लेयर के पीछे दफन है। दर्शकों, जो असली सच है वो धुंधला है, बहुत धुंधला है, तमाम ग्लिचेस हैं,
उसमें तमाम तरीके की चीजें हैं जो इस सच के सामने आकर खड़ी है। अब दो तरह के लोग हैं जिनको यही अच्छा लग रहा है, उनको यही अच्छा लगेगा और उनको यही अच्छापन मुबारक। लेकिन वो लोग भी हैं हमारे समाज में जिनको दरअसल सच देखना है, और सच ये है सच, ये है सच। दर्शकों, सच बहुत साफ, बहुत क्लियर और बहुत खूबसूरत दिखता है। सच किसी भी लेयर के पीछे दबा नहीं रहता, सच धुंधला नहीं होता, सच काला नहीं होता, सच धुएं के पीछे नहीं होता, सच सच होता है। सच के दो रूप होते हैं, दोनों तरफ आपको मेरे दिख जाएंगे भी। आपको बता दूं, मेरे एक तरफ आपको बहुत जल्द एक सच दिखेगा, मेरे दूसरी तरफ आपको झूठ दिखेगा। तो मेरे दर्शकों, इस तरफ जो आपको नजर आ रहा है वो झूठ है, और जो इस तरफ नजर आ रहा है वो सच है। दर्शकों, ये झूठ है, ये सच है, इन्हीं दोनों के बीच का फर्क निकालना एक पत्रकार का काम होता है। लेकिन जब हम सच को निकालने की कोशिश करते हैं, जब हम सच के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तब यह झूठ हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, यह हमारे रास्ते का दर्शकों रोड़ा बन जाता है। लेकिन सच जो है इसको निकालना मुश्किल नहीं है। अगर आपके मन में ईमानदारी है, अगर आपके मन में अगर सोच लिया है, ठान लिया है कि सच को सामने रखना है, तो आप रखेंगे। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। राबिया सैफी के मामले में हमने पहले दिन से लगातार पर्दे खोलना शुरू किए। जो भी शख्स इसमें हमें संदिग्ध लगा उसके बारे में हमने बोला, और जिसको जो अच्छा लगता रहा हमको वो बहुत आगे बढ़कर हमको पैम्पर करता रहा, हमको अप्रिशिएट करता रहा कि बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग सो गुड, तालियां, आपके लिए तालियां होनी चाहिए जनाब, आपने क्या सच्चाई सामने रखी है। और दर्शकों, जैसे जैसे हम रिपोर्ट आगे बढ़ाते रहे, जैसे जैसे हमारे सामने सच आता रहा, जैसे जैसे झूठ की तस्वीर हमारे सामने से हटती रही, और जब आखिरी सच बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आया, तो हमने वो सच आपको दिखाया। लेकिन कुछ लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। वो लोग मेरे भाई हैं, वो लोग मेरी बहनें हैं। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि राबिया सैफी की जो निर्मम हत्या हुई है, उसको अपने प्रोपेगेंडा के लिए हथियार मत बनाइए, उसको अपना एजेंडा सेट करने के लिए हथियार मत बनाइए। राबिया सैफी आपकी भी बहन थी, राबिया सैफी मेरी भी बहन थी। उसकी निर्मम हत्या हुई है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी आड़ लेकर आप अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे तो उस प्रोपेगेंडा के सामने मैं खड़ा हूं, मैं बीच में खड़ा हूं, और मुझे रोक सको तो रोक, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य विचलित हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि आपके सामने क्या कुछ रखने जा रहा हूं। आज से वो पहला दिन जब राबिया सैफी को न्याय दिलाने की मैंने घोषणा की थी, और मैंने कहा था कि सारे सच को आपके सामने रख दूंगा, और कल जब मैंने असली सच बताया तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी। उनकी मिर्ची का एक ही इलाज है, उनकी मिर्ची के लिए मैं मिश्री भेज रहा हूं। और अपना एड्रेस बताइएगा, अपना पता बताइएगा, चीनी भेजूंगा, मिश्री भेजूंगा, रसगुल्ला भेजूंगा। लेकिन सच यूं ही कहता रहूंगा, मैं डरने वालों में से नहीं, घबराने वालों में से नहीं, रुकने वालों में से नहीं, थम जाने वालों में से नहीं। सच का सामना तो करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे आपसे बात करूंगा। ये उन प्रतिक्रियाओं की तस्वीरें हैं जहां लोगों ने भारत एट नाइन की खोजबीन का खुलकर समर्थन किया था, जहां लोगों ने भारत एट नाइन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का खुलकर समर्थन किया था, जब भारत एट नाइन के कार्यक्रम में रिपोर्टर्स द्वारा परत दर परत चीजों को खंगाला जा रहा था, जब नए नए सच को सामने लाया जा रहा था, और जब राबिया सैफी के मामले को
पूरी तरह से खोला जा रहा था, तब लोग लगातार इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन भारत एट नाइन ने अपनी मुहिम को रोका नहीं था, भारत एट नाइन ने अपने कैंपेन को रोका नहीं था, और हमारे कैंपेन का सिर्फ एक ही मकसद था, राबिया सैफी को न्याय मिले। अगर कोई भी शख्स इस मामले में ऐसा है जो बचता हुआ नजर आ रहा है तो उसको भी पकड़ा जाए। भारत एट नाइन ने लगातार अपनी रिपोर्टिंग की, भारत एट नाइन ने हर पक्ष को सुना, समझा और जाना। भारत एट नाइन की एक टीम लगातार इस मुद्दे पर काम करती रही। भारत एट नाइन की एक अन्य टीम लगातार रिसर्च का काम करती रही। भारत एट नाइन को कार्यक्रम को बनाने वाले लोग भी लगातार हर तथ्य को जुटाते रहे और उन चीजों को सामने लाने की कोशिश करते रहे जिससे लोग अनजान हैं। लेकिन आज एक ऐसा पल आ चुका है कि भारत एट नाइन को ही कोसा गया। आज एक ऐसा समय आ चुका है कि जब हमने एक असली सच को खोलकर सामने रख दिया तो भारत एट नाइन की टीम की आलोचना के लिए चंद मुट्ठी भर लोग खड़े हो गए हैं, जिनको सच नहीं सुनना, उनको सिर्फ वो सुनना है जो उनको पसंद है। लेकिन भारत एट नाइन कार्यक्रम का एक सीधा और साफ मकसद है कि ना तो किसी से डरना है, ना तो किसी को डराना है, ना तो झूठ की मियाद में चलना है और ना ही अर्ध सत्य की बात करनी है। सत्य हमेशा पूरा होना चाहिए, सत्य हमेशा खुलकर सामने आना चाहिए और ऐसा इस बार भी होगा। भारत एट नाइन की टीम किसी भी डर के साए में आने वाली नहीं है। ये उन लोगों के लिए खुली चुनौती है जो लोग भारत एट नाइन की टीम को डराने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। ये उन लोगों के लिए खुली चुनौती है जो सोचते हैं कि अगर भारत एट नाइन की टीम पर लगातार हमले करेंगे, भारत एट नाइन की टीम पर वो लगातार फवतियां कसेंगे, भारत एट नाइन की टीम पर वो लगातार झूठे इल्जाम लगाएंगे तो हम डर जाएंगे। ऐसा नहीं है और बिल्कुल नहीं है। ये साफ चुनौती और सीधी बात है कि भारत एट नाइन राबिया सैफी को न्याय दिलाकर रहेगी और ये न्याय झूठ की मीनारों पर खड़ा नहीं होगा, ये सच के साथ वाला न्याय होगा। और राबिया सैफी की रूह अगर जन्नत से हमें देख रही होगी तो वो भी भारत एट नाइन के साथ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि राबिया सैफी के साथ जो कुछ भी हुआ वो कितना गलत है। उसके साथ जिस तरीके की निर्ममता की गई, उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उसके साथ जिस तरीके का सलूक किया गया, उसको जिस तरह से रोते बिलखते और आखिर में उसकी आखिरी सांस छीनते हुए भी कातिल का दिल नहीं पसीजा, हम उस हर एक भाव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन सच का भी सामने आना बिल्कुल जरूरी है और एक बात साफ है कि राबिया सैफी का सच में जो समर्थन करता है, जो सच में चाहता है कि राबिया सैफी को न्याय मिले, वो सच के साथ ही खड़ा रहेगा। लेकिन अगर किसी के मन में किसी के लिए किसी तरीके का द्वेष है तो वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो राबिया सैफी के जरिए अपना द्वेष मिटाना चाहता है, क्योंकि वो राबिया सैफी के जरिए अपने मन में खुलते उस झूठ को शक्ल देना चाहता है, क्योंकि राबिया सैफी के जरिए वो अपने मन में चल रहे उस जहर को एक सीधा और निर्मल जल बनाना चाहता है। लेकिन भारत एट नाइन ऐसा नहीं होने देगा। भारत एट नाइन की टीम का सीधा और साफ कहना है कि राबिया सैफी को न्याय मिलेगा, जो न्याय सच की नाव पर सवार होगा। राबिया सैफी के कातिलों को सजा मिलेगी और राबिया सैफी के साथ जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है उसको जिंदगी भर जहन्नुम की आग में जलना होगा। और भारत एट नाइन की टीम आज भी ये बात कहती है कि राबिया सैफी को जन्नत मिली है और इसके साथ ही जमीन पर उसके कातिलों को जहन्नुम। और एक और चीज, जो लोग भारत एट नाइन की रिपोर्टिंग को लगातार गलत या किसी भी तरीके से किसी भी हद तक अगर उसको फेक बताते हैं तो उनको खुली चुनौती है कि आप तथ्यों पर बात करिए। उनको खुली चुनौती है कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा सबूत है जो हमारी किसी भी रिपोर्टिंग को गलत दिखाता है तो हम भारत एट नाइन के कार्यक्रम को यहीं पर रोक देंगे। लेकिन क्योंकि झूठ के खिलाफ बोलना भी हमारा पेशा है तो एक बात साफ है
कि उन सभी झूठ बोलने वालों, उन सभी भ्रमित करने वालों को सीधा और मुकम्मल जवाब मिलेगा भारत एट नाइन की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। एक एक कागज मेरे पास है, एक एक कागज, एक एक कागज, एक एक सबूत मेरे पास है। अगर किसी को भी जरा सा भी, 1% भी, 2% भी, 3% भी और कुछ परसेंट ना भी सही, अगर कहीं भी डाउट की गुंजाइश हो तो आप मुझसे संपर्क करिए, आप हमारे चैनल को मेल करिए, आप फोन लाइंस हम खोलते हैं, उन फोन लाइंस के जरिए हमसे जुड़िए और पूछिए कि क्यों आप जो बता रहे हैं इसको हम मानें। तब मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं। कल के कार्यक्रम में भी मैंने बताया था और दूध का दूध और पानी का पानी किया था कि दर्शकों विश्वास करिए, झूठे प्रोपेगेंडा में, झूठे एजेंडा में, झूठे वेंडेटा में मत फंसिए। ये लोग अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा, अपना पर्सनल सब कुछ पर्सनल राबिया सैफी के जरिए निकाल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं राबिया सैफी से। अगर इनको मतलब होता तो दर्शकों ये लोग खुश होते कि चलिए ठीक, सच सामने आया और कातिल को सजा मिलेगी। लेकिन नहीं, इनको दुख है, इनको पीड़ा है कि ऐसा क्यों है। तो दर्शकों कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, राबिया सैफी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि 1000% क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, वो कहती है कि उनके शरीर पर दर्जन भर से ज्यादा घाव हुए थे और सभी चाकू के थे, एक चाकू के थे, एक चाकू, एक चाकू को बारी बारी से लेकर 10 लोग नहीं जलाएंगे, नहीं चलाएंगे। एक चाकू से एक ही पोजीशनिंग पे वार किए गए थे, घायल किया गया था, मारा गया था। और ये सच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है, जो लड़की किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसकी मौत हो चुकी है, उसको काहे क्यों बार बार अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए आप उसको क्यों गैंगरेप जैसी चीज से जोड़ रहे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज क्लियर कि उनके जेनिटल्स पर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी घाव उनकी जेनिटल्स पर नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टेक्निकल उनकी जो वर्डिंग्स होती है उसमें साफ साफ लिखा है EMPTY, वहां पर कुछ भी नहीं है। देन व्हाई, क्यों आप लोग अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए, अपनी किसी से चिढ़ के लिए, अपने मन में जो जहर भरा हुआ है किसी के लिए, एक लड़की के जाने के बाद उससे खेल रहे हैं, व्हाई? अगर मैं चाहता, अगर कावेंद्र चौहान चाहता तो आज से एक हफ्ते पहले जो मेरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग्स पर तालियां बजा रहे थे, यूं मैं उन्हीं तालियों को लगातार जारी रखता, आखिरी तक लेकर आता और खत्म कर देता। लेकिन मुझे लगता है कि जो दिल से राबिया सैफी से प्यार करते थे उनको सच जानने का पूरा हक है। और सच यह है कि उनका मर्डर हुआ, बहुत निर्ममता के साथ उनकी हत्या की गई और कातिल जो भी है उसको सजा मिलेगी। फर्स्ट प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया ये मालूम चलता है कि उनकी हत्या निजामुद्दीन ने की है, निजामुद्दीन के साथ उनके संबंध थे, ये सच है, ये वहां पर सब लोग जानते हैं। हमने कई सैकड़ों लोगों से बात की है, एंड ऑल वर सेइंग दैट यस इट्स ट्रू। उनकी फैमिली को भी पता है, सब जानते हैं इस बात को। और एक बात उनके लिए, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई फर्स्ट, एक बात उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन छोटे 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 चिल्ड्रंस के लिए, चाइल्ड्स के लिए, जो लोग आकर प्रतिक्रियाओं में कह रहे हैं कि पैसे लिए हैं आपने, यू हैव टेकन मनी, बेटा दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं आपके, और दूध के दांत अगर टूटे नहीं हैं तो बातें ऊंची ऊंची नहीं करती।
ये उन बच्चों के लिए बातें हैं, उन चिल्ड्रंस के लिए, उन चाइल्ड के लिए जो कमेंट्स में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो हेट कमेंट्स कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यू हैव टेकन मनी। बेटा दूध के दांत टूटे नहीं है अभी तुम्हारे, इसलिए बातें ऊंची ऊंची नहीं करते। दैट्स ऑल। और अब मुद्दे पर दर्शकों, राबिया सैफी 26 अगस्त को रात में घर नहीं पहुंची, उसी डेट को शाम को वो बाइक से निजामुद्दीन के साथ दफ्तर के बाहर से निकली थी। दफ्तर का नाम था डीएम ऑफिस लाजपत नगर। वहां से निकलकर वो जाती है और उसके बाद उनका कत्ल होता है, उनकी हत्या होती है। बहुत निर्मम हत्या थी। और दर्शकों, उस हत्या के अगली रोज, अगली सुबह मोहम्मद निजामुद्दीन पुलिस के सामने आता है और खुद को सरेंडर करता है। दर्शकों, जब वो सरेंडर करता है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये सच जो आपके सामने, ये सच वही सच है जो आपको जानना चाहिए। ये झूठ वही झूठ है जो एक बहुत बड़ी संख्या के लोग फैला रहे हैं, जिनको अपना पर्सनल ग्रज निकालना है, जिनको अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा निकालना है, जिनको लगता है, जो सैडिस्ट हैं, जिनको लगता है कि जितना एक्सट्रीम क्राइम दिखाएंगे, जितना ज्यादा एक्सट्रीम दिखाएंगे उतना मजा आ रहा है, देवर फीलिंग वेरी गुड। लेकिन किसी मृतक व्यक्ति के साथ, किसी मृतका के साथ ऐसा करना अन्याय होगा, उसकी आत्मा के साथ अन्याय होगा। उसकी बहुत बुरी तरीका से नृशंस हत्या हुई है, उसको न्याय दिलाना हम सबका काम है। दर्शकों, रविंद्र मेहरा करप्शन में लिप्त था, दिस इज ट्रू। मैं आज भी कहता हूं रविंद्र मेहरा करप्शन में लिप्त था, रविंद्र मेहरा कल्प्रिट था, रविंद्र मेहरा करप्टेड है, रविंद्र मेहरा करप्ट है, रविंद्र मेहरा एसीबी की कस्टडी में है, रविंद्र मेहरा को उसके किए की सजा मिलेगी। दर्शकों, निजामुद्दीन पुलिस कस्टडी में था, रिमांड पे था, दो दो थानों की पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने सारी बात रखी, फैक्ट के साथ मिलाई गई और सच लगी। बाकी मामला कोर्ट में है, कोर्ट पर भी भरोसा किया जाना चाहिए, मामला सब ज्यूडिस है। इसलिए आज जो मीडिया ट्रायल जिसको कहा जाता है, मीडिया के सामने जो सच हम रख सकते हैं, वो सच सिर्फ ये है कि मोहम्मद निजामुद्दीन ने, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आखिरी बार सुनिए, जो सच में राबिया सैफी से प्यार करते हैं, मेरे बहनों और भाइयों ध्यान से सुनिए, राबिया सैफी 26 अगस्त की शाम को मोहम्मद निजामुद्दीन के साथ निकली थी, उनकी रास्ते में हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनके शव को वहीं फेंक दिया गया। और 27 अगस्त की सुबह निजामुद्दीन ने सरेंडर कर दिया और राबिया सैफी के पिता ने पहली एफआईआर में निजामुद्दीन का जिक्र किया है। डीएम ऑफिस पूरी तरह से संदिग्ध था, पूरी तरीके से वहां के लोग संदिग्ध थे, जस्ट बिकॉज ऑफ रविंद्र मेहरा, क्योंकि रविंद्र मेहरा के साथ राबिया सैफी की क्लोजनेस थी। क्लोजनेस थी का मतलब वो उनको अच्छे से जानती थी, अच्छी बातचीत थी, लेकिन यही बात मोहम्मद निजामुद्दीन को पसंद नहीं आई और उसने इतना बड़ा कदम उठाया और इसके चलते अब वो जीवन भर पछताएगा, धरती पर भी और जहन्नुम में। रविंद्र मेहरा करप्टेड था, उसको उसके किए की सजा मिलेगी, बट दैट्स अदर मैटर। राबिया सैफी को न्याय दिलाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये सारे जो कागजात हैं, ये सबूत लेकर बैठा हूं, ये मेरी बहुत दिनों की मेहनत है। मैं सड़कों पर घूमा हूं, सड़कों पर भागा हूं, सड़कों पर चला हूं, कई लोगों से बात की है, अपनी खुद की जान को भी खतरे में डाला है, तब जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर पाया हूं।
और ये डॉक्यूमेंट्स चीख चीख कर कहते हैं कि राबिया सैफी की हत्या हुई है, इसे गैंगरेप मत बनाइए क्योंकि सच यही है। पसंद आए तो बेहतर, ना पसंद आए तो राम राम। शुक्रिया।